बारिश के सुहाने मौसम में मैं आ चुका हूँ होंडा हाईनेस CB350 RS के साथ, जो होंडा हाईनेस का एक यंग वर्जन है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का रिव्यू नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस बाइक का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस बाइक को देखने के बाद, इसको चलाने के बाद, इसको परखने के बाद मुझे कैसा फील हुआ। क्योंकि ये बाइक जो है इस 350cc सेगमेंट में आपको काफी अलग दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप लोग 350cc सेगमेंट में बाइक्स को देखेंगे तो ज्यादातर बाइक्स आपको सेम ही दिखाई देगी। इसमें आपको रेट्रो क्लासिक डिजाइनिंग दिखाई देगी, इसमें आपको ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल दिखाई देगा या फिर कुछ क्रूज टाइप की बाइक्स होंगी। लेकिन इस बाइक में काफी चीजें अलग हैं, और वो चीजें क्या अलग हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं इस बाइक का अपना राइड एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोग को एक ओवरऑल चीजें पता चल जाए कि इस बाइक में क्या चीजें नई ऐड करी गई हैं और इस बाइक को चलाने में कैसा फील होता है, ताकि अगर आप लोग इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाए। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी चीजें, सारी डिटेल्स मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग देखने वाले हैं होंडा CB350 RS का डिटेल्ड रिव्यू। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो की इस बाइक के चेंजेस से। जो मैंने इस बाइक को पहली बार देखने के बाद जो पॉइंट आउट किया था वो इसके कुछ लुक्स में चेंजेस थे, और वो चेंजेस ये हैं कि जब आप लोग इस बाइक को सामने से देखेंगे तो आप लोग जब इसको हाईनेस से कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो हाईनेस थी उसमें आपको क्रोम मेटल ज़्यादा मिलता था, मेटालिक फील मिलता था। लेकिन जब आप लोग इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगा, क्रोम का कम इस्तेमाल दिखाई देगा, यहाँ पर सिर्फ एक होंडा की प्लेट लगी हुई है। वहीं जब आप लोग इसके साइड पैनल्स को देखेंगे तो यहाँ पर नाम अलग है, साइड पैनल्स अलग हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी अलग है, और इसीलिए यहाँ पे आपको न्यू पैनल्स भी दिखाई दे जाएंगे। वहीं जब आप लोग इस बाइक को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि यहाँ पे जो साड़ी गार्ड लगा हुआ है, जो इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंडेटरी हो चुका है, वही जो ये साड़ी गार्ड है इसमें आपको यहाँ पे प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है, और प्लास्टिक की वजह से इसको, इसकी जो खूबसूरती नहीं है, ये बिल्कुल अजीब सा लगता है इस ऐसी बाइक में, तो इसको छुपाने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक फेंडर लगा दिया गया है, प्लास्टिक एक गार्ड लगा दिया गया है, जिससे थोड़ा सा और ये खूबसूरत दिखाई दे। वहीं इस बाइक में चौथा बड़ा चेंज है इसकी पेंट स्कीम का, जो आप लोग सामने से देख पाएंगे। अब इसकी पेंट स्कीम काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है इसकी हाईनेस के कंपैरिजन में। वहीं चौथा चेंज अगर मैं बात करता हूं तो इस बाइक के फ्रंट में जब आप लोग चलेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि इस बाइक में आपको यहां पे ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है इसके हेडलैम्प की साइड में। और वहीं ये ऊपर जब आप लोग देखेंगे तो ये साइड ब्रेसेस ऐड कर दी गई हैं। अब इस ब्रेसेस से एक स्क्रैम्बलर वाला लुक देने के लिए इस ब्रेसेस को ऐड किया गया है। वहीं सबसे मेजर चेंज जो इसके फ्रंट में है वो है इसके फेंडर्स, क्योंकि जो हाईनेस है उसमें आपको क्रोम फेंडर्स मिलते थे, वहीं इसमें जो आपको फेंडर्स मिल रहे हैं, ये आपको जो फेंडर्स हैं ये एक ब्लैक फेंडर हैं और ये प्लास्टिक मटेरियल में आते हैं। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस बाइक का है इसकी सीट, और इसकी सीट जो है ये एक स्क्रैम्बलर वाली सीट है जिसमें आपको एक पैटर्न मिलता है, और इसकी जो सीट है ये थोड़ी सी फर्म हो गई है, थोड़ी सी सॉलिड भी हो गई है, क्योंकि जो हाईनेस में सीट आती थी वो इतनी सॉफ्ट थी कि जब आप लोग बैठते थे तो उसमें आपको प्रॉपर क्रूजर वाला फील आता था, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा स्पोर्टी स्टैंस भी मिल जाता है। और उसकी सीधी वजह है इसका राइडिंग पोस्चर, क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर जो है, ये जो फुटरेस्ट लगे हुए हैं नीचे, इसका थोड़ा सा पोजीशन जो है, जब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो पोजीशन आ रहा है ये थोड़ा सा पीछे चला गया है, और इसके पीछे जाने की वजह से आपको जो एक स्टाइलिंग मिलती है, आपको एक जो राइडिंग पोजीशन मिलती है, ये काफ़ी होल्डिंग है, ये काफ़ी एग्रेसिव भी बन जाती है, इतनी एग्रेसिव नहीं है लेकिन थोड़ी सी आपको आगे लीन होना पड़ता है। तो इस होंडा CB350 RS को फर्स्ट टाइम राइड करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस बाइक की जो राइडिंग पोजीशन है वो होंडा हाईनेस के कंपैरिजन में काफ़ी चेंज भी हो गई है, और साथ ही साथ इस बाइक में जो हैंडल दिया गया है वो पहले से थोड़ा सा वाइड हो चुका है, जिससे राइडर को थोड़ी सी एक वाइड पोजीशन मिल जाती है। और वहीं जो हैंडल की पोजीशन है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि वो अब पहले के मुकाबले थोड़ी सी अपराइट हो गई है। बाकी स्लो ट्रैफिक में बाइक चलने में बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है कि इस बाइक जो हैंडल है वो थोड़ा सा हैवी है जब आप इस बाइक को थोड़ा सा ट्रैफिक में चलाते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप इस बाइक में थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, इस बाइक को थोड़ा सा तेज चलाते हैं, तो इस बाइक में जो रिफाइनमेंट मुझे मिली है इस 350cc के अंदर, जो मुझे रिफाइनमेंट मिली है वो शायद मुझे अभी तक 350cc वाले इंजन में नहीं मिली है, चाहे बात करूं मेटियोर 350 की या फिर होंडा हाईनेस की या फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक की। क्योंकि इस बाइक को मैंने तकरीबन 130 से भी ज़्यादा स्पीड पर चलाया है, और तब भी इस बाइक में मुझे इतनी हार्शनेस, इतनी नॉइस नहीं मिल रही थी जितनी मुझे बाकी राइवल्स में मिलती है। और तब भी 130 की स्पीड में भी, 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर भी, मैं अगर साइड मिरर में देख रहा था तब भी मुझे इतनी वाइब्रेशंस नहीं नज़र आ रही थी जितनी बाकी बाइक्स में 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर आपको देखने को मिल जाती है। और जहां तक बात है इस बाइक की राइडिंग पोजीशन की या फिर राइडिंग कंफर्ट की, तो इसकी सीट जो है वो हाईनेस के मुकाबले थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, क्योंकि अब ये सीट थोड़ी सी
हार्ड हो गई है, और उसकी वजह यह है कि इसके सीट पर जो पैटर्न दिए गए हैं, अगर वो पैटर्न में थोड़ा सा सॉफ्टनेस कर देते तो वो पैटर्न की जो खूबसूरती है वो कम हो जाती, और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा एक नेकेड बाइक वाला, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एक स्क्रैम्बलर वाला लुक देना था, जिसकी वजह से इसकी सीट की जो अब कंफर्ट था उसको थोड़ा सा फर्म कर दिया गया है, थोड़ी सी हार्ड हो गई है एक तरफ। तो मेरे हिसाब से इस बाइक से अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो उसमें आपको फिर सीट में थोड़े से चेंजेस ज़रूर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में जब आप इसको चलाएंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की आवाज़ की, तो इस बाइक की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, इतनी हार्श नहीं होती अगर आप लोग राइड करते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड क्लासिक की आवाज़ थोड़ी सी लाउड है। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, जहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वहाँ मुझे ये फील हो रहा था कि होंडा की जो CB350 RS है या फिर हाइनेस है, इन दोनों की आवाज़ मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगती है। बाकी आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस बाइक की सीट हाइट कितनी है, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है या फिर थोड़ी सी ज़्यादा है तो क्या आपके लिए ये बाइक सही रहेगी, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा इस बाइक में आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है। अब पहले से इस बाइक में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका है, लेकिन इस बाइक की सीट हाइट अभी भी कंपनी ने फिगर्स में 800 mm ही लिखी है, बट मेरी हाइट जो है वो 5.8 है। अगर आप लोग 5 से नीचे हैं या फिर 5 के बीच में हैं तो आपको थोड़ा सा एक पैर में रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आपको हाइट थोड़ी सी ऊंची लग सकती है, इतनी ऊंची नहीं है क्योंकि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये बाइक तो मीटियोर 350 से 12 किलो कम है, और उस हिसाब से इस बाइक में बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग 5.5 से नीचे नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोग उससे ज़्यादा हाइट के हैं तो इस बाइक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। बाकी हाइनेस के कंपैरिजन में जो पावर है, इंजन परफॉर्मेंस है, वो तो सेम ही है, बट कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इस पोजीशन जो है, इसमें सस्पेंशन जो आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ों के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको फर्क दिख सकता है, लेकिन उसके अलावा मैकेनिकल चेंजेस हाइनेस के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है इस बाइक के अंदर, चाहे वो सस्पेंशन के हों या फिर वो इसकी पावर परफॉर्मेंस के या फिर इंजन कैपेसिटी के, कोई भी चेंज नहीं है, दोनों ही बाइक्स काफ़ी सिमिलर हैं, बट फर्क है इसकी राइडिंग पोजीशन में, इसकी स्टाइलिंग में जो इस बाइक में आपको मिलती है। बाकी जो इस बाइक के टायर हैं वो पहले के मुकाबले जो रियर वाला टायर है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है हाइनेस के कंपैरिजन में। बाकी जहां तक इस बाइक के कंफर्ट की बात है, राइडिंग पोजीशन की बात है, तो वो काफी टॉप नॉच है। लेकिन अगर एक चीज जो मुझे इंप्रेस करी है इस बाइक को राइड करने में, वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट और इसकी परफॉर्मेंस। और वो चीज मुझे इसलिए भी पर्सनली पसंद आई है क्योंकि इस बाइक को मैंने जिस तरीके से भी चलाया है, मैंने इसको बाइक को तेज भी चलाया है, धीरे भी चलाया है, ट्रैफिक में भी चलाया है, बट मुझे ये बाइक बहुत ज्यादा पसंद आई है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नॉइस नहीं है जब आप लोग चलाते हैं, हार्शनेस नहीं मालूम चलती। 130 किलोमीटर की ऊपर से भी जब मैं स्पीड पर गया हूं तब भी मुझे इतनी हार्शनेस इसके इंजन में नहीं नजर आ रही थी जितना मुझे बाकी बाइक्स में नजर आ रही थी। अगर आप लोग ने बाकी बाइक्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनली इस बाइक के चेंजेस को देखने के बाद और इस बाइक को चलाने के बाद मुझे फील ऐसा हो रहा है कि बाइक तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन जहां सवाल खड़ा होता है कि इस प्राइस बजट में आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अब मैं इस पे यही कहूंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, दिल से डिसीजन लेते हैं, और गाड़ियाँ ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोग ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये बाइक पसंद आ गई है और आप इसके लिए जाना चाह रहे हैं और आपके बजट में आ जाती है तो फिर आपको इस बाइक के लिए जाना चाहिए। लेकिन इस बाइक की कुछ कमियां भी हैं जो मैंने राइड करते टाइम या फिर इसको देखने के बाद कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं, जिसके लिए अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसीलिए मैं उस प्रोज एंड कॉन्स की यानी कमियों की और अच्छाइयों की कुछ अलग सी वीडियो बनाऊंगा जो आपको इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबा के मोटर नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट लेकर आता रहता हूँ, जिसमें आपको मैं कार्स के बारे में, बाइक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। और नेक्स्ट वाली वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि उस बाइक में मैंने आपको वो सारे कमियाँ बताई हैं जो शायद आपको कोई ना बताए, क्योंकि मैंने आपको सारी ही चीज़ें बता दी हैं जो बाइक में मैंने कमियां देखी हैं और आजमाई भी हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बारिश बहुत तेज होने लगी है, मैं इस वीडियो को एडिट करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपके साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बटन दबा के लाइक भी कर दीजिएगा, और जिसको ये बाइक लेनी हो उसके साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वरना बाइक भी बिक जाएगी और मेरा माइक भी बिक जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।